तो क्या कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए एक बार फिर से रद्द हो जाएंगी कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं? अगर आप कक्षा 10वीं या 12वीं के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ने का असर स्कूल बोर्ड परीक्षा और कॉम्पिटेटिव परीक्षा पर भी दिखने लगा है। तो सबसे पहले हम आपको आज की एक गुड न्यूज दे दें, बोर्ड परीक्षा 2022 में बगैर बोर्ड परीक्षा के पास होंगे 5वीं से 8वीं तक के स्टूडेंट। शिक्षा विभाग का आया है नया आदेश। आपको बता दें कि जिस प्रकार से बोर्ड परीक्षा 2021 में पहले 5वीं से 8वीं तक के बच्चों को पास किया गया था, वही पैटर्न इस बार भी लागू हो सकता है। और अब कई जगहों पर 5वीं से 8वीं तक के बच्चों को पास करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। और यही बात न्यूज 18 की खबर में भी निकल कर आ रही है कि अगर कोरोना के केसेस इसी प्रकार से बढ़ते हैं तो लॉकडाउन भी लगाया जाएगा और कई जगहों पर तो कर्फ्यू लगना भी स्टार्ट हो चुका है और आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 भी रद्द हो सकती है पिछले साल की तरह। अगर अदर बोर्ड की बात करें जैसे यूपी बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गए, तो उनको जनवरी से लेकर मार्च के बीच लेने के बारे में सोचा गया था। लेकिन अगर कोरोना इसी तरीके से बढ़ता रहा तो ये सभी एग्जाम एक बार फिर से रद्द हो सकते हैं। और मीडिया रिपोर्ट का ये कहना है कि पहले इन सभी एग्जाम को पोस्टपोन किया जाएगा, उसके बाद इन्हें कैंसिल किया जाएगा। हालांकि बोर्ड की तरफ से अभी तक इस पर कोई भी ऑफिशियली नोटिस निकल कर नहीं आया है। जैसे ही कोई नोटिस निकल कर आएगा हम आपको सबसे पहले बता देंगे। इसीलिए अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।